गरारी की वजह से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, अब वो गरारी सेट होगी और उसके बाद दोबारा से इंशाल्लाह सफ़र आगे की जाने की शुरू होगा। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस में काम कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप टूर विच इज़ ऑन साइकिल एंड हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ जानेंगे इनसे। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लिव पाकिस्तान की जो ये गाड़ी लाइव कवरेज कार जो है उसके लिए सो नाइस थैंक्स के लिव ने हमारे लिए अरेंज की, क्योंकि हमें साइकिल चलाते हुए रास्ते में बहुत दुश्वारी थी और पीछे से ट्रैफिक के बहुत इशू थे, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये गाड़ी प्रोवाइड की गई। सो थैंक्स ऑफ आवर स्पॉन्सर्स ने पाकिस्तान एवियन फाउंडेशन, और मैं इंतहाई मशहूर हूँ। साथ ही साथ उखाड़ा से ही मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो वॉलंटियरली उन्होंने इस गाड़ी में अपनी और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाद साहब, और उनके साथ गपशप होती रहेगी। लेकिन अभी मौजूद हैं हम न्यू कोयटा प्याला होटल हैदराबाद में। एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं कुछ इस बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ जानते हैं, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप दोस्त, अगर आप मुझे नाम देते हैं, आप मेरे शहर में हैं, मेरे लिए ये सब की बात है और मैं आपके लिए मोहब्बत है, यह है जम जी। थैंक यू, बाय बाय हैदराबाद। ज़िया भाई क्यों हमारे साथ शामिल हुए? ज़िया भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। मैंने इसको ज्वाइन किया है हैदराबाद से। ट्रैवलिंग के दौरान रात के वक्त सब सो रहे होते हैं, कुत्ते जाग रहे होते, पर कुत्तों ने पता नहीं कुछ 5-6 दफ़ा पे अटैक करने की कोशिश की है। वो गाड़ी पे भी कोशिश की है, इमरान पे भी कोशिश की है। ज़ाहिर है मैं इमरान से ही पहले कोशिश कर रहा हूँ मतलब से कि वो अंधेरे होने की वजह से समझ में भी नहीं आ रहा होता कि कुत्ता कहाँ है। Thank you.
इस एरिया से निकले बहुत डेंजरस है यार, निकलो इस साइड से। ये टूटा है और इसको रस्सियाँ बांध के कोशिश की कि हम इसको जोड़ सकें, बट ये नहीं हो पाया और अब बड़ी मुश्किल से। शुक्र है कि ये गाड़ी पीछे थी, अगर पीछे ना होती तो इलाका इंतहाई ख़तरनाक आप देख नहीं सकते। और इस इलाके में ये दरख्त ही दरख्त और गहरी खाई सी और जंगल आप कह सकते हैं कि पता नहीं कौन सी किस्म का जानवर यहाँ पे, शायद अगर मैं बहुत दूर ना भी जाऊँ तो शायद भेड़िया तो इस इलाके में लाजमी हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सा इलाका है। और अल्लाह थैंक्स कि ये गाड़ी मेरे साथ थी, थैंक यू जया भाई आप मेरे साथ थे, ये तो बहुत मसला बनता। वालेकुम दोस्तों, ये है जी मटियारी सिंध और बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये छोटा सा कस्बा है, शहर है। और यहाँ हमें आना पड़ा क्योंकि हमारी लाइव कवरेज कार के साथ जो बैटरी का था उसका थोड़ा सा इशू हुआ और बैटरी लो हुई, और जो पता लगा तो उसका जो जनरेटर है वो काम छोड़ गया था। तो अब ये जनरेटर की दोबारा से फिटिंग हो रही है। सब दोस्तों से बस दुआ की अपील है कि इंशाल्लाह हम सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं और मिलते हैं दोबारा से रोड पे नए जज्बे के साथ। लेफ्ट 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 पाकिस्तान, करते रहें सब और ज़रूर ज्वाइन करें। आपके लिए एक ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट है, आप इस गिफ्ट को खोलिए। मिलकर सारे करें लिफ्ट पाकिस्तान, आओ मिलकर सारे करें लिफ्ट पाकिस्तान। वो यार खोटी में है हम, और जिया भाई मेरे साथ, लिफ्ट लाइव कार हमारे साथ। आपके लिए क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? आपके क्वेश्चन है कि स्टार्टअप क्या होता है? लिफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, वेरी थैंक यू सर। अभी हम सादकाबाद के इलाके में हैं और सादकाबाद से आगे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। को वर्किंग स्पेस के बारे में आपको कुछ पता हो? को वर्किंग स्पेस किसको कहते हैं? आपस में मिलके काम करना, वेरी नाइस, वेल डन। वी क्लैप कर दे यार, इस एज में देखे जवानों से आगे निकल गए। तो आपके लिए जनाब ये जबरदस्त सा गिफ्ट, ये देखे निकाल के देखे, आपके लिए ये भी गिफ्ट है यार। आपके दो दो गिफ्ट बन रहे हैं, आओ मिलकर सारे करें लिफ्ट पाकिस्तान, आओ मिलकर सारे करें लिफ्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप और कराची टू इस्लामाबाद का सफर जारी है और अलहमदिल्ला हम पहुँच गए हैं बहावलपुर नवाबों का शहर। आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ पता है, फ्री लांसिंग का कुछ पता है, एंटरप्रेन्योरशिप के वाले से कुछ जानते हैं? ओके तो थैंक यू बोलते हैं लिफ्ट पाकिस्तान, थैंक यू लिफ्ट पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। डिजिटल मार्केटिंग की हवाले से कुछ जानते हैं आप? अच्छा, फ्री लांसिंग के बारे में कुछ जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? Basically, आप न्यू आइडियाज पेश करते हैं, मतलब एवरीबडी इज एंटरप्रेन्योर। ये मीडिया डिपार्टमेंट हमारा एक कंपटीशन भी है, तो बाहर से लोकल हमारे आते हैं, मतलब यहाँ भावलपुर में लोकली हुआ था, आप इतने अच्छे आइडियाज आप पेश करते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट करके आपसे कहते हैं एवरीबडी इज एंटरप्रेन्योर जुड़ा हुआ। होता यह है कि आपने इन्वेस्टर को माइल करना था कि आपका आइडिया वापस बन जाए, तो माइल करने के लिए आप बेसिकली अपने आइडिया को पहले ट्रेंड करते हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर तो बेसिकली जो है आपका आइडिया उसके ऊपर रिसर्च के हिसाब से जो है ना वो अगले को माइल करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मेरा काम कुछ मैं करूँगा, ये सक्सेसफुल जाएगी तो फिर इन्वेस्टर के पास आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर हर कोई बन सकता है जिसके पास आइडिया और उसके पास रिसर्च आइडिया नहीं है। स्टार्टअप आप मतलब बेसिकली आपको बिजनेस का जो मतलब स्टार्टअप आपको कंप्लीट करवा देंगे। स्टार्टअप में स्टार्टअप बेसिकली होता है कि इन्वेस्टर जो है आपको फंडिंग करते हैं कि आप जो है ना अपने आइडिया के ऊपर काम करें, फंडिंग के जरिए जो है ना आप अपना काम चलाते हैं और उसके बाद आप to Islamabad on cycle with the sponsor of Lift Pakistan and Rehan Foundation. Alhamdulillah, हम इस वक्त मुल्तान में पहुँच चुके हैं। जब भी आप आएँ मुल्तान घंटे घर में तो दूध की बोतल भी है या आपकी कोल्ड ड्रिंक को बहुत मिल रही है और ये सारे दोस्तों की मौतें हैं जो मौतें हमें मिल रही हैं आप तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान में सारा सफ़र जो है बहुत सेफ है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मेहमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। कहाँ पर करते हैं? अच्छा, आपके लिए सवाल है डिजिटल मार्केटिंग लैब करते हैं यार। एक मसला हल हुआ यहाँ पे, यहाँ पे नॉलेज नहीं थी और शुक्र है कि हमारे को समझाने से कुछ हद तक इस तक ये बात पहुँची है। सो नाइस आपका दोस्तों मिला था, ये आपके लिए शुक्र है। और हाँ जी, आपने क्या चीज़ सर्च की है? पाकिस्तान से वेरी गुड। ये बताएं कि इन्होंने लिफ्ट पाकिस्तान को लाइक किया है, आगे क्लोज करके वेरी गुड शेयर कर दें, शेयर कर दें। ये इन्होंने जी शेयर कर दिया है, ये आपके लिए गिफ्ट आ गया जी, ये अपना गिफ्ट लीजिए। आओ सब मिलकर करें लिफ्ट पाकिस्तान। उमर और सोनिया यहाँ पे, आप क्या क्या शेयर कर रहे हैं? और आपके पास क्या है? हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए।